गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का। आज हमारा टॉपिक मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था जो एनिमेलिया जगत है, वर्टेब्रेटे 5 जगत दिए थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन पांचों जगतों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। इन पांचों में से प्लांटी एंड एनिमेलिया जो जगत हैं, इन जगतों को आगे और वर्गों में बांटा गया है जो कि आपके सिलेबस में है। प्लांटी जगत में हमने देखा था कि जो पौधे हैं उनके शारीरिक संगठन के आधार पर, बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर, जिसे के साथ बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, सामान्य उत्तकों की उपस्थिति के आधार पर जो है प्लांटी को अलग अलग वर्गों में बांटा था, जिसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेराडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 वर्ग पढ़े थे। इसी के साथ ही बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर भी जो पौधे हैं उन्हें क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स में हमने 2 भागों में बांटा था और इनको पढ़ा था। इसके बाद हमने जो 5वां जगत है एनिमेलिया जगत की हमने बात की थी। एनिमेलिया जगत के अंदर सारे जो बहुकोशिक जीव है वो आते हैं। बहुकोशिक यूकैरियोटिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। और इसी क्रम में हमने जो वर्ग पढ़े थे, हमने पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेलमिंथीज, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, ये जो कुछ वर्ग थे जो हमने पहले जो पीछे की क्लास हुई थी उनमें पढ़ा था। इन्हीं वर्गों में जो एनिमेलिया है उनके 6 वर्ग हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। एनिमेलिया के जो अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं वो अलग अलग लक्षणों के आधार पर बनाए गए हैं, जैसा कि हमने कल ऑर्थोपोडा एंड एनिलिडा में पढ़ा था। ऑर्थोपोडा जो है, अगर हम बात करें, बहुत बड़ा वर्ग है जिसके अंदर बहुत सारे जीव आते हैं। और ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं उनकी विशेषता होती है कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, वो उत्तकों के बीच में बिखरा रहता है। तो इस तरह का जो परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों में नहीं बहता, उत्तकों के बीच में फ्री रहता है, तो ये खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं इनकी ये विशेषता होती है। इसी के साथ ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो कई जोड़ी होते हैं और ये संगीत होते हैं, यानी अंदर से सारे जुड़े हुए रहते हैं। और संगीत उपांग और खुला परिसंचरण तंत्र, ये 2 जो बड़ी विशेषताएं हैं ऑर्थोपोडा के जीवों के। इसी के साथ इनमें जो ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं इनमें कई तरह के जो इनका शरीर होता है वो तंत्र स्तर का होता है, कई तरह के तंत्र विकसित होते हैं इसमें। अब देखिए, आज हम जो 7वां वर्ग पढ़ेंगे मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो जीव आते हैं उनके अंदर जो देह गुहा होती है वो, तो जो मोलस्का के जो जीव होते हैं इनके अंदर देह गुहा जो होती है वो बहुत ही कम विकसित होती है। शरीर जो होता है उसमें थोड़ा विखंडन पाया जाता है, शरीर के ऊपर कवच पाया जाता है, और इनके अंदर खुला सहवनी जो है तंत्र इनमें पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए इनमें गुर्दों जैसी संरचना यानी किडनी के जैसी स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होती हैं। ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये मोलस्का के अंदर पाए जाते हैं, मोलस्का के जीवों में पाए जाते हैं। कुछ जीव इनके जो लवणीय जल और अलवणीय जल में भी ये पाए जाते हैं। अगर हम मोलस्का के जीवों के एग्जाम्पल देखें तो स्टारफिश है, ऑक्टोपस है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का। आज हमारा टॉपिक मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था जो एनिमेलिया जगत है, वर्टेब्रेटे 5 जगत दिए थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन पांचों जगतों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। इन पांचों में से प्लांटी एंड एनिमेलिया जो जगत हैं इन जगतों को आगे और वर्गों में बांटा गया है जो कि आपके सिलेबस में है। प्लांटी जगत में हमने देखा था कि जो पौधे हैं उनके शारीरिक संगठन के आधार पर, बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर, जिसे के साथ बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, सामान्य उत्तकों की उपस्थिति के आधार पर जो है प्लांटी को अलग अलग वर्गों में बांटा था, जिसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेराडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 वर्ग पढ़े थे। इसी के साथ ही बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर भी जो पौधे हैं उन्हें क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स में हमने 2 भागों में बांटा था और इनको पढ़ा था। इसके बाद हमने जो 5वां जगत है एनिमेलिया जगत की हमने बात की थी। एनिमेलिया जगत के अंदर सारे जो बहुकोशिक जीव है वो आते हैं। बहुकोशिक यूकैरियोटिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं।
और इसी क्रम में हमने जो वर्ग पढ़े थे, हमने पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटिहेलमिंथीज, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, ये जो कुछ वर्ग थे जो हमने पहले जो पिछले पीछे की क्लास हुई थी उनमें पढ़ा था। इन्हीं वर्गों में जो एनिमेलिया है उनके 6 वर्ग हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। एनिमेलिया के जो अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं वो अलग अलग लक्षणों के आधार पर बनाए गए हैं, जैसा कि हमने कल ऑर्थोपोडा एंड एनिलिडा में पढ़ा था। ऑर्थोपोडा जो है, अगर हम बात करें, बहुत बड़ा वर्ग है जिसके अंदर बहुत सारे जीव आते हैं। और ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं उनकी विशेषता होती है कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, वो ऊतकों के बीच में बिखरा रहता है। तो इस तरह का जो परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों में नहीं बहता, ऊतकों के बीच में फ्री रहता है, तो ये खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं इनकी विशेषता होती है। इसी के साथ ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो कई जोड़ी होते हैं और ये संगीत होते हैं, यानी अंदर से सारे जुड़े हुए रहते हैं। और संगीत उपांग और खुला परिसंचरण तंत्र, ये दो जो बड़ी विशेषताएं हैं ऑर्थोपोडा के जीवों के। इसी के साथ इनमें जो ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं इनमें कई तरह के जो इनका शरीर होता है वो तंत्र स्तर का होता है, कई तरह के तंत्र विकसित होते हैं इसमें। अब देखिए, आज हम जो सातवां वर्ग पढ़ेंगे मोलस्का, मोलस्का के अंदर जो जीव आते हैं उनके अंदर जो देहगुहा होती है वो बहुत ही कम विकसित होती है, उसका विकास कम होता है। इसी के साथ शरीर में थोड़ा जो है खंड, तो जो मोलस्का के जो जीव होते हैं इनके अंदर देहगुहा जो होती है वो बहुत ही कम विकसित होती है। शरीर जो होता है उसमें थोड़ा विखंडन पाया जाता है, शरीर के ऊपर कवच पाया जाता है, और इनके अंदर खुला सहवनी जो है तंत्र इनमें पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए इनमें गुर्दों जैसी संरचना यानी किडनी के जैसी स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होती हैं। ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये मोलस्का के अंदर पाए जाते हैं, मोलस्का के जीवों में पाए जाते हैं। कुछ जीव इनके जो लवणीय जल और अलवणीय जल में भी ये पाए जाते हैं। अगर हम मोलस्का के जीवों की एग्जाम्पल देखें तो स्टारफिश है, ऑक्टोपस है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा।